सभी का गढ़वा जिले के नंबर वन संस्थान, गढ़वा जिले का नंबर वन कोचिंग संस्थान आइंस्टीन स्टडी सर्कल के तरफ से नमस्कार और जोहार। और आज के वीडियो में मैं आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ और बायोलॉजी से हटकर समाज के एक अलग ही मुद्दे के बारे में बात करने वाला हूं। और आज हमारे साथ जो बच्चा खड़ा है, ये बच्चा का उम्र देख करके आपको अभी लग रहा होगा कि इसका उम्र अभी पढ़ाई लिखाई करने का है, लेकिन कुछ मजबूरी के कारण, कुछ ऐसे परिस्थिति हो चुके हैं इसके साथ जिसके कारण कि इस उम्र में अभी लड़का स्कूल को देखा तक नहीं है, और अपने पेट भरने के लिए, अपने परिवार का पेट भरने के लिए इसको अभी कूड़ा चुनना पड़ रहा है। तो आज मैं मिलाऊंगा आपको इस बच्चे से और दिखाऊंगा कि क्या इस बच्चे के अंदर जज्बा है कि नहीं, और साथ ही साथ क्या इसको कोई वैसा व्यवस्था मिल पाया जिससे कि वह आगे बढ़ सके और पढ़ाई लिखाई कर सके। तो चलिए हम लोग अब स्टार्ट करते हैं इस बच्चे से इस बातचीत करना। तो सबसे पहले हम इसका नाम जानना चाहेंगे। आपका नाम क्या है बाबू? अमित। अमित। अमित, आपके पापा का नाम? नीरज। पूरा नाम बताइए। नीरज कुमार। नीरज कुमार। तो ये बताइए कि पापा क्या करते हैं? टूटा फूटा बाल्टी जोड़ते हैं। टूटा फूटा बाल्टी को जोड़ने का काम करते हैं। तो कहाँ पर जोड़ते हैं? शहर में। मैंने शहर में जाते हैं। और आप क्या कर रहे हैं अभी? कूड़ा चुन रहे हैं। कूड़ा चुन रहे हैं, मतलब आप कभी स्कूल में गए हैं कि नहीं गए हैं? नहीं, मैंने देखे ही नहीं है कि स्कूल कैसा होता है। नहीं नहीं, तो मतलब आपको नहीं लगता है कि अगर आप पढ़ाई लिखाई करेंगे तो आगे कुछ अच्छा नौकरी लेकर के और ज़्यादा पैसा कमा सकते हैं? सोचे भी नहीं, मैंने ऐसा सोचे ही नहीं आज तक। मतलब परिवार में कोई भी पढ़ा लिखा है कि नहीं आपका? नहीं नहीं है। कितने भाई बहन हैं आप लोग? तीन बहन हैं। तीन बहन और एक आप भाई हैं। चलिए, तो कहने का मतलब है कि आप कितने साल से मतलब ये काम कर रहे हैं कूड़ा चुनने वाला? दो तीन साल से। दो तीन साल से कर रहे हैं जी, मतलब आप और छोटे थे तभी से ये काम स्टार्ट कर दिए। तो मतलब घर पे आपको नहीं बोला जाता है कि बाबू पढ़ाई लिखाई करो, ये काम छोड़ दो? मजबूरी है। अच्छा, मजबूरी है। चलिए, नहीं, आपका कहना बिल्कुल सही है, ये मजबूरी ही लोगों को कोई भी काम करने पर विवश करता है। लेकिन एक बात और बताइए कि आप मतलब ये कूड़ा चुन करके और कितना पैसा मतलब एक दिन में कमा लेते हैं? 200-150 से 200। मतलब इससे कि आपको परिवार को मतलब थोड़ा सहारा मिलता है। चलिए, तो एक बात बताइए कि अगर आपको व्यवस्था दिया जाए तो आप पढ़ाई करना चाहेंगे कि नहीं चाहेंगे? पढ़ाई करना चाहेंगे हम। मतलब आप चाहेंगे ना कि पढ़ाई लिखाई करके मतलब अपने माता पिता का नाम रोशन करें, और ये जो 150-200 कमा रहे हैं वो मैं आने वाले समय में 5-10 हज़ार कमाएं एक दिन में? मतलब आप इसमें सुधार करना चाहेंगे? तो चलिए, तो काफ़ी अच्छी बात है। तो देखिए, ये कोचिंग का नाम है आइंस्टीन स्टडी सर्कल। क्या नाम है? आइंस्टीन। बोलिए। आइंस्टीन सर्कल। बोलिए। आइंस्टीन। आइंस्टीन स्टडी। स्टडी सर्कल। सर्कल। तो अगर आपको इस कोचिंग में पढ़ने का मौका मिले तो क्या आप यहाँ पढ़ेंगे? हाँ। मतलब आप और आपके दोस्त लोग क्या करते हैं? कूड़ा चुनते हैं। मतलब वो लोग भी कूड़ा चुनने का काम करते हैं। चलिए, तो देखिए, जैसा कि आपने देखा कि अमित न जी, अमित बाबू जो कि अभी कितने साल के हैं आप? 12 साल के हैं। अभी तक इन्होंने कभी स्कूल देखा ही नहीं। अभी इनका जो उम्र है वो पढ़ाई लिखाई करने का है, अपना भविष्य को बनाने का है। लेकिन आप देख सकते हैं कि अमित कुमार 12 साल के हो गए लेकिन अभी तक स्कूल देखे ही नहीं हैं।
तो लेकिन इनके अंदर पढ़ने का जज्बा है, इनका कहना है कि अगर मुझे अवसर दिया जाए, अगर मेरे पारिवारिक कंडीशन को थोड़ा सुधार लाया जाए तो मैं पढ़ने से पीछे नहीं हटूंगा। और इसी के देखते हुए आइंस्टीन स्टडी सर्कल अमित कुमार को इनके सभी दोस्तों के साथ अपने क्लास में इनवाइट करता है। तो ये बताइए कि आपके दोस्त पढ़ना चाहते हैं कि नहीं पढ़ना चाहते हैं? पढ़ना चाहते हूँ भी, लेकिन उनके पास परिवार का मजबूरी है कि ऐसे ही कूड़ा चुनते हैं? ऐसे ही चुनते हैं। मैंने उन लोग के पास वैसा मजबूरी नहीं है, मतलब आपका मैंने मजबूरी कुछ मैंने अलग ही है उन लोग से। तो मान लीजिए आपके घर में मान लीजिए जो भी है, आप और आपके पापा दो लोग कमाने वाले हैं। हाँ। तो चलिए ये तो ठीक है, लेकिन मैं उम्मीद करूँगा कि आगे से आप इसके साथ साथ अगर आप इस काम को छोड़ करके भी अगर आप पढ़ाई करना चाहेंगे तो इस कोचिंग में आपको व्यवस्था दिया जाएगा। और आपके जैसे बच्चों के लिए यहाँ पे फ्री में जो है कि स्मार्ट क्लास का व्यवस्था है। यहाँ पे स्मार्ट क्लास जानते हैं आप? स्मार्ट क्लास? हाँ, क्या होता है पता नहीं। देखिए वो बोर्ड दिख रहा है, वो व्हाइट बोर्ड, उस पर लिखा जाता है। क्या किया जाता है? लिखा जाता है, मतलब हाँ लिखा पढ़ा जाता है। लेकिन इसको देख रहे हैं, ये क्या है? ये टीवी नहीं, ये क्या है? टीवी। हाँ ये टीवी है, मतलब स्मार्ट बोर्ड ये है। इसमें आपको मतलब वीडियो दिखा करके पढ़ाया जाता है, ठीक है ना? तो अगर हम अब आपको यहाँ पे बुलाना चाहें पढ़ने के लिए तो आइएगा कि नहीं आइएगा? हाँ आएंगे। पक्का ना? तो देखिए आपके ये अमित कुमार जी का कहना है कि मेरे अंदर पढ़ने का जज्बा है, अगर मुझे व्यवस्था मिले तो हम पढ़ाई करने से पीछे नहीं हटेंगे। और आइंस्टीन स्टडी सर्कल जो गढ़वा जिले का नंबर वन संस्थान कल भी था और आज भी है और आगे भी रहेगा, ऐसे ही बच्चों के लिए, ऐसे ही बच्चों को पढ़ाने के लिए, गढ़वा जिले में एजुकेशन का एक नया हवा बिहार चलाने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। और ऐसे बच्चों को फ्री ऑफ कॉस्ट क्लास का व्यवस्था यहाँ पे ज़रूर किया जाएगा। और अगर वैसे बच्चे मिले तो आप भी उनको कांटेक्ट करके आप एक बार ज़रूर हमसे मिलाए ताकि हम लोग इनके लिए कुछ कर सकें, क्योंकि हमारे समाज का निर्माण बच्चों से ही होता है। हमारे समाज का निर्माण जो है यहाँ से स्टार्ट होता है और वो देश निर्माण तक इन्हीं बच्चों का योगदान होता है। और हम लोगों ने देखा कि किस तरह से ये बच्चे के फंडामेंटल राइट्स जो इसके मौलिक अधिकार संविधान में दिए गए हैं उसका भी धज्जी उड़ रहा है। अभी उसका उम्र क्या करने का है और इससे क्या करवाया जा रहा है, लेकिन खैर ये इसके परिवार का मजबूरी कहिए या जो भी कहिए, लेकिन अब हम लोग को ही इनके लिए कुछ करना होगा और आगे आना होगा। तो मैं चाहूँगा कि हमारे ज़िले के जितने भी जागरूक लोग हैं, जितने भी अवेयर सिटीजन्स हैं, नागरिक हैं, मैं उन लोग से यही कहना चाहूँगा, गुजारिश करना चाहूँगा कि ऐसे बच्चों के लिए कुछ करने का ज़रूरत हम ही लोग को है। अगर हम लोग ऐसा नहीं करेंगे, इनको अच्छा गाइडलाइन नहीं देंगे तो ये बच्चे आगे चल करके इतने गलत प्लेटफॉर्म पर चले जाएँगे कि हम चाह करके भी इन्हें सुधार नहीं सकते हैं। तो मैं उम्मीद करूंगा कि हमारे ज़िले के जितने भी नागरिक हैं, ज़िले के साथ साथ देश के भी जितने भी नागरिक हैं, ऐसे बच्चों के लिए कुछ करने के लिए हम लोग को एक साथ आगे आना होगा। और इसी के साथ आइंस्टीन स्टडी सर्कल गढ़वा जिले का नंबर वन संस्थान आप सभी को इस काम में इनवाइट करता है।